नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। तालिबान ने जेल तोड़ 700 लड़ाकों को छुड़ाया, शरिया कानून लागू। संघर्ष के 2 महीनों में लोगों की जिंदगी काफी बदतर हुई। अफगानिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक में मार गिराए 385 तालिबानी, इनमें 30 पाकिस्तानी नागरिक। टोक्यो में चाकूबाजी, चलती ट्रेन में यात्रियों पर चाकू से हमला किया गया, 10 लोग घायल हुए, वहीं एक की हालत काफी गंभीर। चीन तिब्बत में छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए कर रहा है मजबूर, बच्चों का ब्रेन वॉश करने की है उसकी मंशा। पाकिस्तान में टिकटॉक प्रतिबंध की समीक्षा होगी, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दिए हैं इसके लिए आदेश। अमेरिकी वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर बरसाए बम, शेबरघन में 200 से ज्यादा आतंकी हुए ढेर। इमरान के मंत्री बोले देश के नागरिक नहीं है। नवाज शरीफ, खत्म हो गई है राजनयिक पासपोर्ट की अवधि। उत्तरी बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के जवानों पर आतंकियों का हमला, एक जवान की मौत हुई। यूएनएससी की कमान मिलते ही एक्शन में भारत, अफगानिस्तान पर बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। आईजी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, अलकायदा सरगना के नाम से मिला धमकी भरा ईमेल, सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर। विपक्ष के हल्ला बोल के बीच राज्यसभा में तीसरे हफ्ते 8 बिल पास हुए, सदन का कामकाज बढ़कर 24% हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार में भारी बारिश से मच रही है तबाही। कोटा संभाग में अब तक 13,000 घर ढहे, वहीं 27 मौतें। भूपेश बघेल ने गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया आश्वासन, छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 तक हर घर होगा जल। अमेरिकी राइफलें और स्विस पिस्टलों से लैस किए गए एलएसी पर तैनात जवान, दुश्मन को मिलेगा अब मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में 45 जगहों पर एनआईए की रेड, अलगाववादी संगठन जमाते इस्लामी के सदस्यों के घरों की तलाशी। ट्विटर का राहुल गांधी पर एक्शन, कांग्रेस नेता का ट्वीट हटाया, दिल्ली कैंट रेप पीड़िता के पेरेंट्स की फोटो शेयर की थी। झारखंड सरकार का आदेश, बाहर से आने वाले शिक्षकों और जवानों को 7 दिन तक रहना पड़ेगा क्वारंटाइन। धनबाद में हुई जज की हत्या मामले में सीबीआई की टीम पहुंची घटना स्थल पर, एक बार फिर से सीन रिक्रिएट किया गया और पूरे घटनाक्रम की बारीकियों से जांच की गई। 6ठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 अगस्त को होगी सुनवाई। लेक्चरर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और रांची यूनिवर्सिटी को किया शो कॉज। चारा घोटाला में लालू यादव से जुड़े सबसे बड़े मामले में सीबीआई की बहस पूरी, कल से बचाव पक्ष करेगा जिरह। टीकाकरण में देश में पटना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मुंबई और अहमदाबाद को पीछे छोड़ देश में वैक्सीनेशन का टॉपर हुआ पटना। मुंगेर में गंगा का उग्र रूप दिखा, सैकड़ों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, वहीं दियारा क्षेत्र से लोगों का पलायन। बिहार पंचायत चुनाव और शराब तस्करी के लिए नकली नोटों की डिमांड की गई, 65 संदिग्ध नंबरों को खंगाल रही है पुलिस। आंदोलन में नहीं दिखे तेजस्वी और तेज प्रताप, जेडीयू नेता बोले राजनीति ने नव सामंत है लालू पुत्र। आरजेडी के आंदोलन में कल 75 पार के नेता शामिल हुए, वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप गायब है। बिहार के भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से गहराई संकट, लोगों का छूट रहा घर द्वार। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिलते ही एथलेटिक्स में दाखिले बढ़े, 2 घंटों में जैवलिन थ्रो सीखने के लिए पूरे देश भर से 80 कॉल। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के समापन समारोह में भारत की तरफ से बजरंग पुनिया होंगे ध्वजवाहक। गांव से निकले रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में दिखाया अपना दम, भारत का सिर किया ऊंचा। बजरंग पुनिया ने पहले ओलंपिक में जीता था ब्रॉन्ज, वहीं 7 साल की उम्र से कुश्ती लड़ रहे हैं बजरंग पुनिया, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।